इससे पहले आपने बैलों के मुंह में देखा होगा, पर कुत्ते के मुंह में पहली बार देखा। सोचिए बारिश छोड़ो, ओले गिर रहे भाई इतने मोटे मोटे। 600 रुपए का एक बार है तो 1200 का हमें पड़ा हुआ है। कुछ छेज के इसका जो रस होता है ना उसको डालने पे खून रुक जाता है। इनका ना बिल बना रखा इधर होके सही वही यहाँ पे। तो शिवरात्रि के समय पे जो भी गांव वाले यहीं पे जल चढ़ाने आते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर YouTube वीडियो। मैं राजा मेहर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नया लाइव व्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और ये खूबसूरत पहाड़ हमारे गांव के नहीं है, छकौन गांव के खूबसूरत पहाड़ यानी चीड़ के जंगलों से भरा हुआ पहाड़। तो भाई अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है अपने गांव जाने की, और 8:15 बजे बस भी आ जाती है तो मेरे को जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। बाकी अब यहाँ से भी विदा लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने गाँव के हसीन वादियों में। बाय संध्या। तो गांव के पास में ही भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो शिवरात्रि के समय पे जो भी गांव वाले जिनका व्रत रहता होगा वो यहीं पे जल चढ़ाने आते हैं। बाकी सुबह सुबह अब मैं भी निकल चुका हूँ अपने गांव की ओर। और भाई आज मौसम देखो भाई पूरा पैक है, भले काले बादल नहीं है। सुबह के 9:30 हो गया है और मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव। और भाई सुबह सुबह देखो हमारे गांव का ऐसा नज़ारा और शांत सा माहौल है, और देखो भाई पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। बाकी जी सुबह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया, तो अभी पहले मस्त मज़े से नाश्ता करते हैं और इस ठंडे से मौसम में खाने का आनंद लेते हैं। तो देखिए जी आज मम्मी ने बनाई है गुड़ियाल की सब्जी और गरम गरम चाय है। तो गुड़ियाल का एक बड़ा पेड़ होता है, उसमें फूल छोटे छोटे फूल लगते हैं, तो उसी की सब्जी है ये। और इससे गुड़ियाल से अचार भी बनता है, बोल वो काफ़ी टेस्टी होता है। बाकी अभी मस्त मज़े से इस स्वादिष्ट नाश्ते को खाते हैं। तो चलिए जी स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद अभी मैं निकल चुका हूँ ऊपर गाँव की ओर। ऊपर गाँव में आधे रास्ते में कहीं पेड़ पे पराल लगाया हुआ है, बोल तो अब वो पराल हमें ऊपर वाले मकान तक लेके आना है। बाकी मम्मी तो चली गई है तो अब मैं भी निकल पड़ता हूँ। आजकल देखो भाई रास्ते के अगल बगल ना कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। यहाँ देखो यहाँ सफ़ेद सफ़ेद फूल है और यहाँ देखो भाई पीले पीले। हाय रुचि यार यहाँ देखना क्या हो रखा है। भेज बनाम खुश रह खुश रह। भेज बनाम वो मर रखे उनका ना दुख दुख जीव उनका ना बिल बना रखा इधर होके सही वही यहाँ पे। तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने पुराने वाले मकान में और यहाँ पे देखो भाई रुचि और अर्चना गोबर भरने पे लगे हुए हैं। अब कहाँ ले जाओगे इसको? ये मुडाबे ऐसे मुआ भरने की निंजा टक में है कहाँ जा रहे तुम? तो देखो भाई इस वाले पेड़ में है और इधर से मान देखो भाई नीचे फेंक रही है, तो अब इनको इन पे भार लगाएंगे फिर लेके जाएंगे यहाँ से। और यहीं रास्ते के नीचे पे ना ये सफ़ेद सफ़ेद से फूल है, ये है बादशाह के और ये एक औषधि का भी काम करती है भाई, ये है पत्ते है ना। तो जब कभी चोट लगती है या कहीं से भी खून आता है तो ये इसको छेज के इसका जो रस होता है ना उसको डालने पर खून रुक जाता है, तो ये एक औषधि का काम करती है। बहुत पहले हम बचपन में इसी का यूज़ करते थे, बैंडेज बूंडेज कुछ नहीं था, यही लगाते थे और बिल्कुल सही हो जाता था। भाई यहाँ पे भारे भूरे भी लग गए हैं और यहाँ देखो अब इसको अपने जो पुराने वाला घर है वहाँ तक लेके जाना है, और यहाँ थोड़ा बहुत और भी बचा हुआ है तो चलो हम इसको भी ले जा लेते हैं पहले। भाई साहब देखो भाई पहाड़ की महिला इतना बोझा उठा सकती है आराम से। तो अब मेरी बारी है। तो चलिए जी ये वाला तो यहाँ हमने रख दिया है और अब ड्यूटी लगी है इसको अंदर रखने की, तो यहाँ से माँ अंदर रखेगी और यहाँ से मैं पकड़ाऊँगा ऐसा ही ऐसे ऐसे। और ये वाली जो घास है ये है कोदे की घास और इसको कहते हैं हम कोदेटा।
ठीक है। और ये हमने यही गांव के एक ताई जी है उनसे खरीदा है और ये हमें पड़ा हुआ है, दो भारे हमने लाए हैं तो 600 रुपए का एक भारा है, तो 1200 का हमें पड़ा हुआ है। बाकी चलो चल, बाकी अभी वहाँ थोड़ा बचा हुआ है तो माँ वहाँ उनको लेने जा रही है और मैं निकलता हूँ घर की ओर। तो अभी देखो भाई मैं आया हूँ अन्य लोगों के घर में, तो मैं घर जा रहा था तो रास्ते से तो घर से दीदी लोग चिल्लाए वांडू आ जाओ बल वांडू, तो वांडू बोलने का मतलब है कि यहाँ आ जाओ, बहुत सारे ऐसे वर्ड है। दीदी प्रणाम भाई प्रणाम, क्या कहना बोलो, कैसे याद किया? काकी नहीं है चकवन थे ना, चकवन थे परसों थे ना, आपने नहीं देखी चकवन वाई वीडियो तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पे भी है, फटाफट से जाओ। तो शाम के 4:30 हो रहा है और भाई दिन से मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्या है कि दिन में मैं आया था तो कुछ दिखाने को भी नहीं हुआ, दिन में कहीं जाने को भी नहीं हुआ और मैं आया और सो गया और खाना खाना खा के अभी देखो भाई बाहर देखो बड़ी खतरनाक बारिश हो रही है, बारिश छोड़ो ओले गिर रहे भाई इतने मोटे मोटे, क्या ही बताएं। देखो भाई पूरे गांव का इतना भयानक मंजर हो रखा है, यहाँ देख रहे खेतों में पूरे सफ़ेद सफ़ेद हो गए हैं, क्या क्या इसका मानना है कि हमारे पुराने जमाने के लोगों का मानना है बल्कि अगर जो इसको जो दाने होते हैं ना ओले उनको ढांडा कहते हैं हमारी भाषा में, तो उसको जूठा करने से कि दाने पड़ने ना कम हो जाते हैं, बस कोई शंख बजाते हैं कोई जो तवा होता है ना जिसपे रोटी बनाते हैं उसमें राख करके फिर उल्टा करते हैं फिर होता है बल कम, बहुत सारी ऐसी अनोखी चीज़ें हैं बाकी जो आपके समझ से बाहर है। बाकी देखो भाई खतरनाक, देखो मैं जूठा करने जा रही पक्के से जा, अंदर से मम्मी देख रही खिड़की से, अबे यार मम्मी खिड़की बंद कर ना ये बाबा। तो देखो भाई इतनी जल्दी इतने ज़्यादा बर्फ की तरह हो गया भाई पूरा, ओ भाई यहाँ देखो भाई पूरा छत पानी से भरा हुआ है, अरे भाई खतरनाक। और यहाँ मैंने देखो सरसों डाली थी ना वो भी मैंने ढकी हुई थी फिर भी देखो भाई पूरा गीला और क्या। बाकी भाई यहाँ देखो भाई उत्तरकाशी के जो ऊपर जो वाली जो पहाड़ियाँ हैं ना वहाँ देखो भाई पूरी बर्फबारी हो रही होगी वहाँ देखो। और अब देखो भाई धीरे धीरे शाम ढलने वाली है तो यहाँ देखो अर्चना भी अब खाना खुना बनाने की तैयारी कर रही है, तो अभी अभी यहाँ हो रही थी भाई ओलावृष्टि और अभी देखो भाई सामने जो मुस्टिक सोड़ गांव है ना वहाँ देखो भाई कितनी भयंकर एक लेयर टाइप की दिखाई दे रही सीधे, तो सोच सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही होगी वहाँ। तो आजकल तो कोई सवाल ही नहीं था भाई बारिश बुरिश होने का, पर मौसम है भाई पहाड़ों का कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों अभी अभी मेरी भाभी आ रही है और साथ में एक कुत्ता भी आया है, मेरे को देख रहा तो ये खूंखार कुत्ता यहाँ आ चुका है, अब तू मेरे इलाके में है अब तो कुछ नहीं कर सकता। ए जीजू तो ये मेरी भाभी है, भाभी नमस्ते कैसे हो आप? और ये राजा महर है। तो देखो भाई हमारे घर में एक नया मेहमान आ गया है, नया दोस्त ये है ब्रोनू, इससे पहले भी इसके साथ मेरी मुलाकात हो रखी है और इसके मुंह में ये मुखार लगा रखा है वो इसलिए कि इससे किसी को काटे ना सेफ्टी के लिए। अचानक से
तो इससे पहले आपने बैलों के मुंह में देखा होगा, पर कुत्ते के मुंह में पहली बार देखा, मैंने भी देखा। मैं तो डर गया था भाई। ओ भाई रोनो, आजा तू मेरे पास आजा ब्रोनी, आजा मेरे साथ खेल। ले इधर आ ब्रोनू, ब्रोनू क्यों खेल रहा तू ऐसा है? कि ब्रोनी को फ्रीडम मिल चुकी है और ऐसा भटक रहा ना भाई, वो क्या ही बताएं, अभी देख ही लिया होगा आपने। बाकी अभी देखो भाई, यहाँ देखो चारों ओर पूरा अंधेरा होने लग गया है और मौसम भी धीरे धीरे खुल ही रहा है। मतलब वैसे तो कल बारिश होनी है, वेदर में तो बता रखा है, कुछ कह नहीं सकते है ना। बाकी चलो फिलहाल हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इंस्टाग्राम नमस्ते देवभूमि को फॉलो करें। मैं राजा महर मिलता हूँ आप सभी को कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, बाय।